हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लिमिटेड सिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कमेंट से। नाम देखिए यहाँ पे हाइड किया गया है। कमेंट में पूछा गया है कि अपने रिलेशनशिप के बॉन्डिंग को कैसे मजबूत करें, अपने रिश्ते को कैसे मजबूत करा जाए, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर हर कोई सोचता भी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चार ऐसे टिप्स के बारे में। इसको काम भी आप बोल सकते हो, ये चार ऐसे काम है जिनको आपको करना चाहिए। इसको करने के बाद आपका रिलेशनशिप इतना मजबूत हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपको फैक्ट बताए जाएंगे, साइकोलॉजिकल फैक्ट फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो चार जो फैक्ट हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फैक्ट नंबर वन जो है वो ये है, फिजिकल टच वर्सेज हार्ट एंड माइंड टच। इसको समझना पड़ेगा। जो लोग वाकई में जिनको लगता है कि हम सच्चा वाला प्यार कर रहे हैं, वो हार्ट एंड माइंड टच को ज़्यादा वैल्यू कर देते हैं। जो लोग टाइम पास करते हैं, जो प्यार व्यार करते ही नहीं हैं, वो फिजिकल टच को ज़्यादा वैल्यू कर देते हैं। एक बात समझिएगा, दोनों में से केवल एक को लेके चल रहे हो तो गलत है। आज के डेट की अगर बात करी जाए अकॉर्डिंग साइकोलॉजी, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों का रेशियो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका प्यार जो है ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाएगा, आपका रिलेशनशिप मजबूत नहीं होगा। अब ये क्या है इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करिए फिजिकल टच में क्या आता है। फिजिकल टच का मतलब होता है शरीर को छूना। इसमें सेक्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन मैं उसको ना तो उसको मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप उसको चाहो तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 18 प्लस और 21 प्लस हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकल टच में क्या होता है, शरीर को छूना, किस करना, गले लगना, ये सारी चीज़ें जो है ये फिजिकल टच में आती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब प्रपोज करा जाता है या फिर किसी भी तरीके के लिए, जैसे आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हो विल यू मैरी मी, आप अपने पार्टनर से पूछना चाहते हो कि क्या वो आपसे शादी करना चाहेंगे या चाहेंगी, तो आप एक फिट की दूरी पे ये सारी बात कहोगे तो आपको क्या लगता है, कुछ ज़्यादा खास असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने पार्टनर का हाथ अपने हाथों में लेकर ये बात बोलते हो कि विल यू मैरी मी, तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा असर पड़ेगा? तो मतलब फिजिकल टच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मायने देते हैं लोग जो टाइम पास करते हैं, लेकिन जो सच्चा प्यार करते हैं वो भी अगर इनको मायने देते हैं, इस चीज़ को मायने देते हैं, तो उनका रिलेशनशिप इतना मजबूत हो जाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। अब बात करते हैं हार्ट एंड माइंड टच की। तो हार्ट एंड माइंड टच में वही आता है कि आप मेंटली हिट करते हो किसी को, यानी कि दिलों पर छाने के लिए, माइंड पर छाने के लिए आप जो भी सारी चीज़ें करते हो फिजिकल टच के इतर, फिजिकल टच के अलावा जो भी सारी चीज़ें आप करते हो, इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए, अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, हम आपसे प्यार करते हैं, ये सारी चीज़ें फिजिकल टच में नहीं आती, ये हार्ट एंड माइंड टच में आती हैं। तो आपको दोनों चीज़ें करनी है, दोनों को इक्वल लेके चलिएगा, ठीक है ना। अभी इन दोनों में बैलेंस कैसे करना नहीं आपको आता है तो सेपरेट वीडियो बोलिएगा तो बना देंगे हम, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर टू की। तो फैक्ट नंबर जो टू है वो है गुस्सा और रूठना। यहाँ पे देखिए दोनों में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। गुस्सा जो है ये वर्ड है लड़कों के लिए, रूठना जो है ये वर्ड है लड़कियों के लिए। आप इन दोनों का इस्तेमाल जो है रिलेशनशिप में करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसका जो एक तरीके से साइकोलॉजिकल पीरियड बताया गया है वो बताया गया है 2 वीक से 3 वीक में, यानी कि 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के बीच में इसको अप्लाई कर देना है आपको। कोई भी सिचुएशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है जिनका रिलेशनशिप जिंदगी भर के लिए चलने वाला होता है, उनमें कभी ना कभी हो जाता है, यानी कि 1 मंथ में एक बारी इसको अप्लाई करना है आपको। इसको हमेशा अप्लाई नहीं करना, ऐसा नहीं कि हर हफ्ते में अप्लाई कर रहे हैं या डेली अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप जो है ना बहुत ज़्यादा ऊब हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। इसको 3 हफ्ते में या फिर 4 हफ्ते में आप इसको अप्लाई करना। और गुस्सा का मतलब आप समझते हो, अगर लड़के हैं तो आपको गुस्सा होना है अपने पार्टनर से, लेकिन वैलिड वजह पे, ठीक है। आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए, तभी गुस्सा होना है आपको। अभी ये गुस्सा हो सकता है आपको मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो आपको गुस्सा होना चाहिए, ठीक है। गुस्सा अगर होते हैं तो इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में आपका पार्टनर मेच्योरिटी की तरफ पहुँचता है, आपका रिलेशनशिप मेच्योरिटी की तरफ पहुँचता है, मतलब आप लोगों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता आती जाती है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, गुस्सा होने के बाद जो प्यार उमड़ता है ना, उसका कोई और छोर नहीं है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रूठना जो है ये लड़कियों के लिए है, लड़कियों को सजेस्ट करूंगा कि वो भी रूठें, और लड़कियां चाहती भी हैं कि हम रूठें और हमारा पार्टनर हमको मनाने आए। तो लड़कों से भी ये रिक्वेस्ट है कि जब उनकी गर्लफ्रेंड उनसे रूठे तो उनको मनाने जाइए। ये मत सोचिए कि आप रूठी हो तो आप ही अपने आप वापस आओगे, ऐसा कतई ना सोचे। मैं दोनों के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, गर्ल्स बॉयज दोनों कैटेगरी के लिए, कि आप लोग ऐसा ना करें। अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है तो आप उनको मनाने जाइए ना, क्योंकि उनको भी तो लगे कि हाँ उनके लिए भी कोई जीता है, उनको भी कोई मनाने आता है। तो ये सारे जो भी फीलिंग है उनको रियलाइज़ कराइए आप। तो ये भी फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर थ्री की। तो फैक्ट नंबर थ्री जो है वो सस्पेंस, मतलब आप सस्पेंस बनाना सीखिए। सस्पेंस का मतलब ये नहीं है, अब सस्पेंस का मतलब देखिए क्या है कि आपको बिना पूछे कोई बात बतानी नहीं है। अगर आप सस्पेंस बनाने में माहिर हैं
तो आपको कोई छोड़ के कभी जाता ही नहीं है, क्योंकि सस्पेंस का मतलब है कि इंटरेस्ट हमेशा रहेगा। तो सस्पेंस बनाना सीखिए। सस्पेंस का मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि आपका पार्टनर आपसे पूछता है कि क्या आप मेरे से शादी करोगे, तो आप बोलो कि पता नहीं, ये तो आगे की बात है, आगे देखते हैं क्या होता है, जैसा हमारा रिलेशनशिप होगा वैसा करेंगे, वैसे शादी तो आपसे करेंगे ना, प्यार आपसे करते तो किससे करेंगे। इस तरीके की बातें आपको करनी है। कुल मिला के ऐसा कहना है, सस्पेंस बना देना है, सामने वाले को समझ में ना आए, वो कन्फ्यूजन में रहे कि यार ये एक्चुअल में चाहता क्या है, ये चाहती क्या है, इसका इंटेंशन क्या है, किसी का इंटेंशन पता ना चल पाए, इसको कहते हैं सस्पेंस। ठीक है, तो सस्पेंस बनाना सीखिए, आपका रिलेशनशिप बहुत मजबूत होगा। रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में ये बहुत स्पेशल रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं फोर्थ फैक्ट की, जो कि लास्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा वजन रखता है। फोर्थ फैक्ट जो है ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रुथ। देखिए, ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम एक किसी वीडियो में बात कर चुके हैं, यानी कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई एक तरीके से पर्दा नहीं है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, कोई भी चीज़ छिपानी नहीं पड़ती है। छिपाने का मतलब होता है कि हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पे सस्पेंस से मत जोड़ना, सस्पेंस का मतलब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कुछ भी छिपाना ना पड़े, तो ट्रांसपेरेंसी है तो आपका रिलेशनशिप बहुत मजबूत होगा। ये जो है ना एंड ट्रुथ करके, ये ट्रुथ यानी कि सच्चाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि किसी का भरोसा जीतने में कितना समय लगता है, बहुत समय लग जाता है, लेकिन उस भरोसे को खोने में कितना समय लगता है आप सोच भी नहीं सकते। विद इन अ सेकेंड आप किसी का भरोसा खो सकते हो, सिर्फ एक झूठ काफ़ी होता है आपकी सालों के मेहनत पे पानी फेरने के लिए। तो कोशिश करिए कि अपने पार्टनर से कभी भी झूठ मत बोलिए, लॉयल रहिए, हमेशा सच का साथ दीजिए और हमेशा सच बोलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, आप कभी भी भरोसा नहीं खो पाएंगे। तो इस बात को अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। चार फैक्ट हैं यहाँ पे, इसको आप जरूर करिए, इन चार काम को जरूर अप्लाई करिए, आपका रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाएगा। एंड मैं बस इतना ही कहूँगा कि इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करने में कतई मत हिचकिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये कंटेंट उन लोगों को मिलना चाहिए और वो भी इसका लाभ उठा पाएं। इस चैनल को ऐसी ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट में जो भी क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह उसको लिखिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियो के लिए नया टॉपिक पिक किया जा सके। अगर आपने अभी तक लव इंटेंसिटी फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके फॉलो करिए। अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो फोन पे, तो कॉल मी फोर एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए lovintercity@cm4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।